दोस्तों, फोटोग्राफी का काम करना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि एक फोटोग्राफी का काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा पेशेंस और हार्ड वर्क करने की क्षमता जरूरी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पेशेंस और हार्ड वर्क के साथ साथ हिम्मत भी एक फोटोग्राफर के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि फोटोग्राफी करते वक्त कभी कभार फोटोग्राफर्स को कुछ ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है कि जिनका मुकाबला करने के लिए दिल में हिम्मत होना बेहद जरूरी है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियो फुटेज दिखाने जा रहे हैं कि जिसे देखकर आपको भी इस बात का यकीन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सीधा अपने वीडियो की तरफ। एलिफेंट। दोस्तों, हाथी वैसे तो बहुत ही शांत किस्म के जीव होते हैं, लेकिन अगर कोई उनके इलाके में घुस जाए तो ये बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। एवन लॉसन नाम का ये फोटोग्राफर एक दिन केनिया के घने जंगलों में अपने फोटोग्राफी का काम कर रहा था, लेकिन तभी अचानक एक हाथी के झुंड ने उनकी तरफ हमला कर दिया। लेकिन लॉसन भी बिना डरे उसी जगह पर डटे रहे, और देखिए उन हाथियों ने भी उन पर हमला नहीं किया। अगर वो हाथी चाहते तो वो लॉसन के जीप को तोड़ मरोड़ कर रख देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और लॉसन को भी अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ बढ़िया तस्वीरें मिल गई। ठीक ऐसे ही एक और फुटेज में हम देख सकते हैं कि श्रीलंका के घने जंगलों में फोटो खींचते हुए एक फोटोग्राफर की तरफ एक हाथी बहुत ही तेजी से दौड़ के आ रहा है, लेकिन फोटोग्राफर भी बिना अपनी जगह से हिले चुपचाप अपना काम कर रहा है। और देखिए, उस हाथी ने भी उस फोटोग्राफर को बिना कोई चोट पहुंचाए चुपचाप वहां से चला गया। हायना। दोस्तों, हायना एक बहुत ही खूंखार जानवर है। वैसे तो ये ज्यादातर दूसरों का शिकार चुरा कर अपना पेट भरते हैं, लेकिन जरूरत आने पर ये खुद भी किसी जानवर का शिकार कर सकते हैं। ये ज्यादातर झुंड में हमला करते हैं और इनका बाइट फोर्स भी काफी ज्यादा होता है, इसलिए एक तरीके से कहा जाए तो ये एक ऐसे जानवर हैं जिनसे हम सभी को थोड़ा संभाल कर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, केविन रिचर्डसन नाम के इस फोटोग्राफर को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हायना एक पालतू कुत्ते की तरह ही होते हैं, जिन्हें आप आसानी से अपने घरों में पाल सकते हैं। जरा देखिए कि कैसे ये जनाब इस जंगली हायनाओं को प्यार कर रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि ये जंगली हायना भी केविन के सामने ठीक किसी पालतू जानवर की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं। शायद उन्हें भी केविन के प्यार करने का अंदाज पसंद आया है। चीता। दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी इस लिस्ट के पहले फुटेज की तरफ। दोस्तों, वैसे तो जंगल में फोटोग्राफी के दौरान कभी भी किसी जंगली जानवर के बच्चों के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे उसके माँ को खतरा महसूस हो सकता है और वो फोटोग्राफर के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन किम नाम का ये फोटोग्राफर अपना काम करते करते एकदम से दो चीता के बच्चों के पास चला गया, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि माँ चीता थोड़ी दूर बैठी ये सब कुछ देखने के बावजूद भी उसने किम को परेशान करने की कोई कोशिश नहीं की। ठीक ऐसे ही एक और फुटेज में हम देख सकते हैं कि क्रिस डुप्लेसिस नाम का ये फोटोग्राफर जब अपने फोटोग्राफी का काम में बिजी था, तब अचानक से ही एक चीता आकर ठीक उसके बगल में बैठ गया। ऐसा लगता है कि जैसे चीता के ऊपर भी फोटोग्राफी करने का शौक सवार हो गया हो। एक और फुटेज में हम देख सकते हैं कि जब कुछ फोटोग्राफर्स जंगली सफारी के इस दौरान फोटोग्राफी कर रहे थे, तब अचानक से ही कुछ चीता वहां पहुंच गए और अलग अलग ढंग से अपनी फोटो खिंचवाने लग गए। राइनो। दोस्तों, राइनो जंगल का एक और खूंखार जानवर है, और कभी अगर आप इनके हमले का शिकार हो गए तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन अब जरा इन फोटोग्राफर से मिलिए। ये जनाब सनसेट के समय के दौरान केनिया के घने जंगलों में पहुंचे थे एक राइनो की फोटो लेने, लेकिन वो गैंडा इन्हें वहां पर देखकर ही भड़क गया और उनकी तरफ दौड़ने लगा। लेकिन अब देखिए कि ये फोटोग्राफर भी कुछ कम नहीं है। थोड़ी देर दौड़ने के बाद ये एक जगह पर रुक गए और उल्टा उस गैंडे को ही डरा दिया। शायद इस गैंडे ने इस बार गलत पंगा ले लिया है।
लेकिन दोस्तों हमारे दूसरे फुटेज में हम देख सकते हैं कि अगर किसी गैंडे के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए तो वो भी आपके साथ अच्छा बर्ताव ही करेगा। जैसे कि आप इस फोटोग्राफर को ही देख लीजिए, ये जनाब अपने हाथों से कैसे इस गैंडे को प्यार कर रहे हैं, और देखिए ये गैंडा भी चुपचाप मजे ले रहा है। असल में अच्छे और बुरे की पहचान भी हर जानवर को होता है, और प्यार की भाषा हम सभी समझते हैं। वुल्व्स। अब दोस्तों भेड़ियों के बारे में अब अलग से क्या कहें, ये जानवर तो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनके आक्रमण से भी आपकी जान जा सकती है। इनके नुकीले दांत, बाइट फोर्स और इनके शिकार करने का तरीका इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। लेकिन दोस्तों स्टीवन नाम के इस फोटोग्राफर के साथ एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसको देखकर भेड़ियों के बारे में आपकी सोच थोड़ी बदल जाएगी। असल में अपने कुछ क्रू मेंबर्स के साथ एक दिन जब स्टीवन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए एक जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अचानक भेड़ियों के एक झुंड ने उनके पूरे क्रू मेंबर्स को घेर लिया है। ये नजारा देखकर पहले तो स्टीवन बहुत ही ज्यादा डर गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उन भेड़ियों ने क्रू मेंबर्स के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दिया है। इसके बाद वो सभी क्रू मेंबर्स उन भेड़ियों के साथ बहुत ही ज्यादा घुल मिल गए और फिर उन्होंने बड़े आराम से अपनी फोटोग्राफी को भी कंप्लीट कर लिया। गोरिल्ला। दोस्तों ईस्ट सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका के घने जंगलों को सिल्वर बैक गोरिल्ला का घर माना जाता है, लेकिन जब वहां पर सिल्वर बैक गोरिल्ला की कुछ तस्वीरें खींचने के लिए जॉन केन नाम के ये फोटोग्राफर पहुंचे थे तो तब उन्हें एक अलग ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। असल में जब ये जनाब अपने फोटोग्राफी के काम में बिजी थे तो तब अचानक ही एक झुंड सिल्वर बैक गोरिल्ला ने आकर उन्हें घेर लिया था। पहले तो इस सिचुएशन में केन बहुत ही ज्यादा डर गए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन गोरिल्लाओं की हरकत भी सुधरने लग गई। कुछ देर के बाद वो गोरिल्ला फिर अपने अपने जगह पर चले गए और केन ने भी आराम से उनकी तस्वीरें ले ली। सील। दोस्तों एलेक्सी नाम के इस फोटोग्राफर ने रूस के पिल्स नदी पर अपने लास्ट ट्रिप के 3 साल पहले एक बेबी सील की जान बचाई थी। उसके 3 साल बाद जब वो फिर से अपने फोटोग्राफी का काम पूरा करने के लिए पिल्स नदी पर पहुंचे तो तब उन्होंने देखा कि वो बेबी सील फिर से उनके साथ मुलाकात करने आई है। भले ही उस बेबी सील अब काफी बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी उन दोनों ने मिलकर बहुत मजे किए और बढ़िया फोटोग्राफी भी की। अब इसको देखकर हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जानवरों के पास भी हम इंसानों जैसे ही इमोशन होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। धन्यवाद।